हनुमान जी देख रहे हैं कि उन्हें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना सीता के साथ कहीं अधूरी रह जाए। सीता माता ने उस फंदे पर अपनी ज्योतिदार कंधों से खींचना शुरू किया था, तभी हमने देखा किस प्रकार से उनके शरीर में शुभ शकुन पन्नों की दाई हाथ फड़कने लगी, उनका दाया हाथ नीले लगा, सॉरी बाई हाथ फड़कने लगी, बाया हाथ नीले लगा। और वो सोच रही है, उनके मन में एकदम से एक बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव हुआ। और तभी हनुमान जी ऊपर से उनको या सीता को एक बहुत मधुर आवाज सुन रही थी। ये आवाज इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली थी कि सीता उसको सुनते ही रह गई। और ये आवाज क्या बता रही थी? इस आवाज ने रामायण बताना शुरू किया। बहुत पहले इक्ष्वाकु कुल में एक बहुत महान राजा होकर के गए, जिनका नाम था दशरथ। वो अपने रथ को दसों दिशाओं में घुमाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कई पत्नियां थी। कालांतर में अयोध्या में उनके चार संतान हुई, जिनमें से सबसे बड़े थे राम। सीता सुन रही है, ये जो आवाज है ये बहुत ही करुण मधुर है, बहुत प्रेम से ओत प्रोत है। और जब भी ये आवाज राम कहती है ना, उस राम में वो प्रेम और ज्यादा मिठास देता है। शी इज फाइंडिंग दीज थिंग्स, शी इज ऑब्जर्विंग दीज थिंग्स। सीता ये सब सुन रही है। उस आवाज ने बताना शुरू किया कि किस प्रकार से राम के बचपन में के बालक के समय उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, ऐसी लीलाएं जो सीता को स्वयं भी पता नहीं थी। वो आवाज बताई जा रही है। उसके बाद उस आवाज में बताया किस प्रकार से मिथिला में सीता और राम की पहली मुलाकात हुई, जो किसी और को नहीं पता थी, केवल सीता और राम को पता थी। ये सुन रही है सीता। फिर उसके बाद में किस प्रकार से उस धनुष को तोड़ा प्रभु राम ने प्रत्यंचा चढ़ा करके, वो पूरी वार्ता बताई। किस प्रकार से सीता के मन में उस समय राम को देख करके क्या भावनाएं थी, ये तो किसी को भी नहीं पता होगा, ये वो आवाज बता रही है। और सीता ये सुनते सुनते उसके हाथों से वो जो ज्योति का फंदा उन्होंने बनाया था वो धीरे धीरे कम होने, वो इल्यूजन बन रहा है। और उसके बाद में वो देखती है, वो सीधे जा करके उस चबूतरे पर बैठ गई और टक लगा करके सुनने लगी। वो आवाज बताती है किस प्रकार से अयोध्या में उनका बहुत जयत स्वागत हुआ। चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जब अयोध्या आए तो अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। और एकदम से वो आवाज उदास हो जाती है जब वो कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, निष्कासन हुआ अयोध्या से। उसके बाद अयोध्या से निकलते समय सीता मैया की भावनाएं, अयोध्या से निकलने के बाद बहुत डिटेल में राम और लक्ष्मण और सीता के साथ क्या क्या हुआ, ये सब के बारे में बताया। घर दूषण के युद्ध के बारे में बताया, लक्ष्मण के प्रताप के बारे में बताया। तो ये सब बता करके फाइनली पंचवटी में चित्रकूट में किस प्रकार से राम लक्ष्मण सीता रहे, इसके पूरे डिटेल वृत्तांत के बारे में वो आवाज बताई जा रही थी। एंड फाइनली इट केम टू द मायावी मारीच, उस मारीच को भेज करके किस प्रकार रावण ने इस देवी सीता का हरण कर लिया, ये कथा उस आवाज ने बताई। और ये सब सुनते सुनते सीता उन क्षणों को जी रही है जो हुए हैं अभी उनके साथ में। और उसके बाद उस आवाज ने बताना शुरू किया जो अब तक कभी सीता ने सुना ही नहीं था, किस प्रकार से राम पूरी तरह से हताश होकर के विवल होकर के सीता की खोज में
जंगल जंगल घूमते रहे, हर पेड़ से, हर पत्ते से, हर जानवर से पूछते रहे, सीता कहाँ है बताओ, सीता कहाँ है बताओ। और प्रभु राम की आर्त भावनाओं को केवल एक डेड साइलेंस मिला। उसके बाद उस आवाज ने बताया किस प्रकार से सुग्रीव ने इन दो महारथियों को देखा जंगल में विचरण करते हुए, और बाद में सुग्रीव और राम की मुलाकात कैसे हुई, वाणी का वध कैसे हुआ। उसके बाद में ये सारी चीजें तो सीता को पता ही नहीं है, क्योंकि उस समय तक सिर्फ सीता अशोक वाटिका में। फिर उन्होंने बताया कि इस प्रकार से 4 महीने चातुर्मास की गुजरे, जिसमें न राम कुछ कर सकते थे न लक्ष्मण कुछ कर सकते थे। और उसके बाद में जैसे ही चातुर्मास खत्म हुआ है, इसके बाद में ये दक्षिण की दिशा की ओर जाने वाली टोली ने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ, और किस प्रकार से वो रामेश्वरम आए, ये पूरी कथा बताई। और अंत में वो बता रहे हैं, आवाज कहती है, इन सारे वानरों में से जो आपकी खोज के लिए आए हैं, उनमें से मैं एक छोटा सा वानर जो 100 योजन 800 लांघ करके आया हूँ, और आपकी चित्र छाया में आपको प्रणाम करने, आपको प्रभु राम का संदेश देने आया हूँ, पूरी लंगा का चप्पा चप्पा छान करके आपको ढूंढ करके आप तक पहुँचने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया है, अब आपके चरणों के दर्शन की लालसा है। इस प्रकार से पूरा रामायण बोल करके वो आवाज थम गई, एंड सीता वॉज सैड। थैंक यू वेरी मच।